बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग आशा भजन छायता लिया भक्त हरि को। भक्त हरि को लागत प्यारे जी। भक्त हरि को। भक्त हरि को लागत प्यारे जी। भक्तों की हर जात न देखे आप उबारे जी। भक्तों की हर जात न देखे आप उबारे जी। भक्त विवियो भगत प्रहलाद विभीषण दोए। निश्चर कुल में उत्पन्न होए। ऐसे भी हर भवसागर से पार उतारे जी। ओ भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। वाल्मीकि तो भील चंडाला दोनों को हरि किया निराला। अजामेल पापी के हरने पाप निवारे जी। ओ भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। कबीर जुलाहा सेना नाई। जाट धना सधना का साई। नामा छिपा पुन रविदासा हरि ने तारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। कहते हूँ हरि करम न पेखत। निज भक्तों के दोष न देखत। चारों युग में निज भक्तों के काज सवारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे। राग आशा भजन 46। भक्त हरि को लागत प्यारे जी। भक्तों की हर जातन देखे आप उबारे जी। आशा राग के इस भजन में गुरु महाराज जी परमात्मा की भक्तों के प्रति कैसी प्रेम है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। परमात्मा को वो भक्त प्यारे लगते हैं जो निरंतर उसके भजन में रत हैं। उनकी जाति पाति कभी भी परमात्मा नहीं देखते। जात पात पूछे नहीं कोई। हर को भजे सो हर को होई। भक्त प्रहलाद विभीषण दोए। निश्चर कुल में उत्पन्न होए। निश्चर राक्षसों के कुल में जिनका जन्म हुआ। भक्त विभीषण भक्त प्रहलाद वो भी भव सागर से भक्ति करके पार उतर गए। ऐसे भी हर भव सागर से पार उतारे जी। बाल्मीक दो भील चंडाला। शास्त्रों में बाल्मीक नाम के दो भील और चंडाल की कथा आती है। दोनों के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। दोनों को हर किया निहाला। अजामेल पापी के हर ने पाप निवारे जी।
अजामेल जो बहुत बड़ा पापी था उसके समस्त पापों को नष्ट करके सद्बुद्धि प्रदान करके उसे भी संसार सागर से ईश्वर परमात्मा ने पार पहुंचाया। कबीर जुलाहा सेना नाई, कबीर जी जुलाहे थे, सेना नाई जाट धन्ना, धन्ने जाट की कथा, सदने कसाई की कथा। नामा चीपा छपाई करने वाले श्री नामदेव जी रविदास, वो भी चमार जाति में थे, लेकिन भक्ति करके इन सब ने परम पदवी की प्राप्ति की। कहे टेऊ हरि करम न पेखत, निज भक्तों के दोष न देखत। परमात्मा केवल मन की पवित्र भावना देखते हैं, और जो दोष करके फिर ईश्वर के शरण में भी आते हैं अजामिल जैसे पापी, उनके ऊपर भी कृपा करके ईश्वर परमात्मा उन्हें पार पहुंचाते हैं। चारों युग में निज भक्तों के काज संवारे जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग में अनंत भक्तों के इतिहास है जिन्होंने भक्ति की, ईश्वर की शरण ली और संसार सागर से पार हुए। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।